गवाह के बगैर निकाह होते ही या नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं जैसे निकाह मान सिर्फ लड़के तो पूरी हो ची गवाह चिनाई की निकाह कैसे जगवाह सिंचु। अगर आठ गवाह क्या है तो एक कैसे निकाह जो मौली साहब के दल में भी निकाह पढ़ाता हूं गवाह के बगैर भी और वली के इजाजत के बगैर भी उसके पीछे नमाज का क्या हुक्म है? पाने मसल खड़ा इद्दत मस कैच निकाह गस गवाह वाले किसे निकाह गसा इद्दत मतलब वो एक इस खानदान की खानदार गुजरे हम ते विच सोर रहता है इद्दत लक्ष्मण इद्दत है ऐसे कानन छु आ खातून ते विच यह जी तलाक दे वहां पर खानदार ते विच इस इद्दत तो बयान ही छु अलग बिल्कुल इद्दत तो अलग अलग आस बहरहाल अगर ये खातून प्रेग्नेंट छ निकली इंसान इद्दत छ सलाह सता पुरू कुर कुरान करीम ने इस्तेमाल इस कोई शिपट बना तरह रहता है सिचा अंदाजा आ कुन जे हिक्स पुर के मार पर कुन जे छति चलन त्रे पीरियड आ टाइम शुरू को ने मस्खात आ टाइम इद्दत छ ने खानदार से घर से मन गुजारे ने इद्दत आ मन छ निकाह पर जईस ने इद्दत वफात से निकाह के से ने हे जो तलाक इद्दत आसा ता मन से निकाह के आखरी निकाह को पुर मुच ये बड़ी गलत बहरहाल ऐसे कर बोलिए से इजाजत वाले निकाह पारण गलत इच ठीक यूस मोली से भी करा आस इस फिस के अमल अगर का कंटिन्यू करान छ पाछे तोब करान की इस्तगफार छ नहीं करान की इशुन इब्न बाज हटान की इमिस पाछे इन दिल पर नमाज ये करे स्वाना छ फास को फाजर इना से हकुन दई इमाम बने इमिस के इमाम तो मसल दिखा मरा अगर तोब इस्तगफार करान छ माफी मांगा छ बनस कर दोबारा इस गलती की यकीन जमा छ पाछे ताक पर कोई फिर अमल दिखा ते हकुन बारा तोब इस्तगफार दरवाजे या